ये देखो, आज मैं आपको बताऊंगी मलाई के साथ हम लोग कैसे कुकर में देसी घी निकाल सकते हैं। मैंने जो मेरे पास 15 दिन की जो मलाई थी वो मैंने कुकर में डाल के उसमें एक सीटी दलवा दी, और एक सीटी देने के बाद उसका प्रेशर निकलने दिया। प्रेशर को ओपन करने के बाद उसको अब हम पका रहे हैं। ये देखो, अब मैं उसको पका रही हूँ, और जो मलाई है आप देख रहे हैं वो अपना कलर भी चेंज कर रहा है। जैसे जैसे ब्राउन होता जाएगा वैसे वैसे ये अपना घी रिलीज़ करेगा। आप ये देख सकते हो कितने अच्छे से इससे अपना घी रिलीज़ कर रहा है ये। और इसमें मैंने थोड़ा सा पिंच ना हल्दी भी डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा, जैसे हमने बाज़ार वाला जो हम देसी घी लाते हैं उसमें एक येलो येलो कलर होता है ना, उसको देने के लिए मैंने देखो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाला, और थोड़ा सा मैंने गुड़ भी डाला है ताकि वो जो एक घी जब बनाते हैं तो एक दरदरापन आता है ना घी में जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, सेम वैसे ही वो उसका टेक्सचर बने, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला है। ये देखो, बस अब हमारा एक घी बन के तैयार है। ये देखो, और हार्डली इसमें मुझे 15 मिनट लगे हैं, सिर्फ एक सीटी दिलवाई है। सीटी दिलवाने के बाद मैंने बस इसको पकाया है जब तक ये मलाई इसकी ब्राउन कलर की ना हो जाए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखो, अब मैंने गैस बंद कर दी है, घी ठंडा हो गया है ना, और ये देखो अब इसको हम छन्नी की मदद से ऐसे छान लेंगे। ठीक है ठीक है, ये देखो अभी मैं ये सब छान के आपको दिखाती हूँ। इसको बोल रहे हो? ठीक है, और हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके इसका जो जितना भी ये एक्स्ट्रा घी हमें निकालना है ना, दबा के हम इसका एक्स्ट्रा घी भी निकाल लेंगे। ये देखो, ठीक है, अभी उसमें काफ़ी घी है, मैं अभी ये सारा इसमें निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इसको ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आप ये सारा घी निकालेंगे धीरे धीरे करके, और इसको भी आप ऐसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके जितना भी एक्स्ट्रा इसमें घी है वो सब निकाल लेंगे। ठीक है, और ये देखो कुकर भी देखो कितने अच्छे से, कोई भी ऐसे नीचे नहीं लगा इसमें ना। ये देखो, और आपका ये घी बनके भी इसमें रेडी हो जाएगा ऐसे। ये देखो,